नमस्कार दोस्तों, मैं कमल। आज मैं आपको बताऊंगा उष्टासन कैमल पोज को किस प्रकार करते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उष्टासन को करने के लिए सबसे पहले आपको वज्रासन की स्थिति में बैठना है। इनके बीच में गैप रहेगा, जितना आपका शोल्डर की चौड़ाई है उसके बराबर आपको गैप रखना है। नंबर दो, उसके बाद आप अपने हिप्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे और आपकी जो टोज है उनको फ्लैट नहीं करना है, आपको ऊपर की तरफ इस तरीका से उठा लेना है। शुरुआत में जब आप बिगनर हैं, इस तरीका से दोनों टोज को ऊपर लिफ्ट कर लोगे, उठा लोगे। नंबर थ्री, आपको क्या करना है, जो राइट हैंड है उसको अपने लोअर बैक पे सपोर्ट के लिए लगाएंगे। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड है उसकी जो हथेली है उसको बैक पे लगाएंगे सपोर्ट के लिए और धीरे धीरे बॉडी को बेंड करेंगे पीछे की तरफ। शुरुआत में आप जितना बेंड कर सको उतना ही आपको बेंड करना है। आपने बेंड किया और राइट हैंड की हथेली को बैक से हटा के अपने एडी को पकड़ेंगे, उसके बाद फिर अपना लेफ्ट हैंड की हथेली को हटाकर बैक से एडी को पकड़ेंगे और यहाँ पे आपको होल्ड करना है इस तरीका से, 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करना है। उसके बाद अपना राइट हैंड हटाएंगे एडी से और अपनी बैक पे लगाएंगे, उसके बाद फिर अपना लेफ्ट हैंड एडी से हटाएंगे और बैक पे लगाएंगे और धीरे से वापस उसी पोजीशन में आ जाएंगे। जब आप इसे कर पाओ उसके बाद आपको थोड़ा सा एडवांस में जाना है। अब इसके बाद जो है, आपको पहले हमने टोज को उठा के रखा था इस तरीका से, लिफ्ट करके रखा था, हम टोज को सीधा कर देंगे इस तरीका से, क्योंकि अब हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जब आप पहला स्टेप कंप्लीट कर लो उसके बाद आपको दूसरे स्टेप पे जाना है। सेम रहेगा आपका, हिप लेवल पे रखोगे, शोल्डर लेवल पे, उसके बाद फिर अपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों बैक पे लगाएंगे और धीरे धीरे बॉडी को बेंड करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद राइट से अपनी एडी को पकड़ेंगे, उसके बाद फिर लेफ्ट हथेली से अपनी एडी को पकड़ेंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा होल्ड करके क्या करना है, अपनी जो आपका हिप्स है और स्पाइन को आगे की तरफ पुश करना है, शोल्डर को नीचे की तरफ ड्रॉप करना है, मतलब स्ट्रेच, चेस्ट स्ट्रेच करना है, स्पाइन को कोशिश करना है कैमल बनाने की और नेक को नीचे की तरफ लेके जाना है आपको। और इस तरीका से आप धीरे धीरे अपने हिप्स, स्पाइन, शोल्डर स्ट्रेच और चेस्ट ओपन करके रखेंगे और जितना आप नीचे की तरफ अपने नेक को नीचे रखना है और ब्रीदिंग नॉर्मल रख सकते हो और यहाँ पे आप होल्ड करोगे, फील करोगे अपने शोल्डर को स्ट्रेच, चेस्ट स्ट्रेच, स्पाइन। उसके बाद लेफ्ट हैंड्स हथेली को और उसके बाद फिर राइट और धीरे से वापस सेम पोजीशन वज्रासन की में। इसे करने के बाद आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आप जो चाइल्ड पोज होता है शशकासन, उसको जरूर करें इस तरीका से। जब आप बैक बेंड करते हो तो आपको फॉरवर्ड बेंड भी करनी चाहिए। उष्टासन को करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब इस आसन को आप करें तो आपकी बॉडी वार्म अप होनी चाहिए। कितनी बार करना है, 2 से 3 बार कर सकते हैं। ब्रीदिंग की बात करूं तो जब आप बैक बेंड कर रहे हो उस समय आपको ब्रीद इन मतलब सांस अंदर लेना है और जब आगे जाते हो तो एक्सेल करना है, मतलब कि आपको सांस छोड़ना है। फ़ायदे की बात करूं तो फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा है। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है, आपके लंग सेल को एक्टिवेट करता है, आपके अस्थमा की अगर प्रॉब्लम है तो अस्थमा में आपकी हेल्प करता है ये, और आपकी स्पाइन से रिलेटेड आपकी कोई इंजरी है तो उसमें भी ये हीलिंग करने में आपकी हेल्प करेगा। साथ के साथ आपका थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड में आपकी हेल्प करता है, और आपके फ्रोजन शोल्डर है या रोटेटर कफ मसल वीक है या शोल्डर राउंडेड शोल्डर है तो उसमें भी ये आपकी हेल्प करेगा। और ये इंटरनल हीलिंग करता है और आपके लिगामेंट, टेंडन, जॉइंट, मसल, उन सबको ये फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे कि आप इन फ्यूचर में आपको कोई इंजरी ना हो या आप जिम करते हो या किसी भी प्रकार का आप कोई वर्कआउट करो, तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। तो इसे आप जब भी कोई वर्कआउट करें उसके बाद 2 से 3 बार आप कर सकते हैं, धीरे धीरे करें, उसके बाद 2 दिन 4 दिन के बाद आप इसे ईजिली कर पाओगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए
और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।